उपचुनाव से पहले सपा कांग्रेस में फूट, अब उपचुनाव से दूर रहेगी कांग्रेस, नहीं रहेगी दो लड़कों की जोड़ी। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के साथ साथ उपचुनाव को लेकर भी डेट का ऐलान हो चुका है और चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। तारीखों की घोषणा के बाद सभी राज्यों में पार्टियां सक्रिय हो चुकी है। बात यूपी की करें तो यहां 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे, लेकिन जहां बीजेपी के लिए ये उपचुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, वहीं इन उपचुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते में खटास देखने को मिल रही है। कैसे, देखिए इस पूरी खबर को। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि उन्हें वो 5 सीटें चाहिए जिस पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। पार्टी को ये उम्मीद थी कि 5 की डिमांड करेंगे तो कम से कम 3 सीटें तो मिल ही जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं देखने के बाद बीते दिन ही उपचुनाव के लिए सपा की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें 6 सीटें शामिल है। बार्गेनिंग टेबल पर पार्टी को जितनी सीटों की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। सपा ने कांग्रेस के लिए मात्र 2 सीटें छोड़ी और अब इसी वजह से दोनों पार्टियों का रिश्ता तल्ख हो गया है। कांग्रेस मात्र 2 सीटें पाकर खफा नजर आ रही है। उपचुनाव के मैदान से दूर रहेगी कांग्रेस। कांग्रेस को उपचुनाव में 5 सीटें चाहिए थी। सपा ने कांग्रेस के लिए अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट छोड़ी है। आज तक के एक रिपोर्ट के अनुसार अब ये चर्चा होने लगी है कि कांग्रेस यूपी से हट सकती है और किसी भी सीट पर उम्मीदवार उतारने से मना कर सकती है। सूत्रों के हवाले से आज तक ने अपने रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि कांग्रेस खुद उम्मीदवार ना उतार कर मऊ की घोसी सीट के लिए हुए उपचुनाव की तर्ज पर सपा का समर्थन कर सकती है। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से अब तक कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। अपने इस मूव से कांग्रेस सपा पर दबाव बनाने का भी प्रयास कर रही है। अगर ये रणनीति काम कर गई और कांग्रेस को फूलपुर सीट मिल गई तो बात बन सकती है। हालांकि सपा ने इस पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस को क्यों चाहिए फूलपुर सीट? फूलपुर सीट से इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम जुड़े हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि ये उसकी पुश्तैनी सीट है और यहाँ से जीत पाना आसान होगा। अभी इस पर आखिरी फैसला आना बाकी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस पर चर्चा कर रहे हैं। आखिरी फैसले का इंतजार दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। चर्चा में दोनों के बीच सारे मतभेद मिटाने की कोशिश भी चल रही है। हालांकि इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। क्यों नाराज है कांग्रेस? कांग्रेस कई कारणों से नाराज है। कांग्रेस को 2 सीटें मिली है, एक गाजियाबाद और दूसरा खैर। गाजियाबाद शहरी सीट है जिस पर बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है और अलीगढ़ की खैर सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने 1500 वोट भी हासिल नहीं किए थे। खैर सीट जिन चारू केन के लिए कांग्रेस मांग रही है उन्हें 60,000 से ज्यादा वोट जरूर मिले थे, लेकिन उस वक्त वो बसपा के उम्मीदवार थी। यूपी में कांग्रेस की जड़ उतनी मजबूत भी नहीं। दूसरे जो सीटें पार्टी को मिली है उन पर ट्रैक रिकॉर्ड भी कांग्रेस का बहुत अच्छा नहीं रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस और सपा के लिए ये अहम समय है। देखना होगा कि कांग्रेस का प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर पाता है या फिर ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस उपचुनाव के मैदान से खुद को दूर कर लेती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।